दैट इज फॉर ऑल रीजन कि वो बटरफ्लाई मिराक्यूलस को छीन के एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करना चाहती है जहाँ पर लोग उससे प्यार करें और वो हमेशा खुश रह सके। खैर बैक टू द वीडियो। फिर आखिर में शेडीबग की नजर उस पन्ने में पड़ती है जिस पन्ने में लिखा था, लेडीबग और कैट नोअर की मिराक्यूलस कम्बाइन करके तुम कोई भी विश मांग सकते हो। इस चीज को ट्राई करने के लिए वो क्लानोअर की कैट मिराक्यूलस छीन लेता है जिसके वजह से क्लानोअर डिट्रांसफॉर्म हो गया था और उसका आइडेंटिटी भी रिवील हो गया था। फिर शेडीबग भी डिट्रांसफॉर्म होकर अपने असली रूप में आती है और एड्रियन बस अपनी पहली नजर से उसे देखता रहता है। फिर मेनेट कहता है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, क्या तुम मुझे जानते हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेनेट को एड्रियन रोज छुप छुप के बेकरी में देखते रहता था जिसका मतलब वो मेनेट के ऊपर लट्टू है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मेनेट दोनों ही मिराक्यूलस को कम्बाइन करके गिम्मी को पुकारती है लेकिन तब उसे पता चलती है उसके यूनिवर्स में सिर्फ बटरफ्लाई मिराक्यूलस में ही गिम्मी मौजूद है जिसके वजह से वो क्लानोअर को कैट मिराक्यूलस वापस कर दिया था। दूसरी तरफ मोनोर को भी पता चल गया था दूसरी यूनिवर्स से लेडीबग और कैट नोअर की ईविल वर्शन आई हुई है। फिर वो शेडीबग और क्लानोअर के पास आके एक छोटा सा डील रखता है कि तुम दोनों मेरी मदद करोगे लेडीबग और कैट नोअर की मिराक्यूलस छीनने के लिए और मैं तुम्हारी मदद करूंगा हेस्पेरिया की मिराक्यूलस छीनने के लिए। फिर डील के अनुसार वो दोनों लेडीबग और कैट नोअर को ढूंढने लगती है। नेक्स्ट सीन में आलिया के लेडीबग कैट नोअर और हेस्पेरिया को वो वीडियो दिखाती है जिसे वो छुप छुप के रिकॉर्ड किया था जिससे वो लोग मोनार्क की प्लान के बारे में सब कुछ जान गया था। फिर वो लोग मिलकर एक प्लान बनाती है मोनार्क को अपने जाल में फंसाने के लिए। नेक्स्ट सीन में प्लान के अनुसार लेडीबग बटरफ्लाई और बाघ दोनों मिराक्यूलस को यूनिफाई करके लेडी फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होती है और लेडी फ्लाई दूसरे डायमेंशन की गैब्रियल को अकुमाटाइज्ड करती है ताकि उसके पावर सीक्रेटली यूज कर सके। फिर लेडीबग शेडीबग से और कैट नोअर क्लानोअर से जाके फाइट करना शुरू कर दिया था और फाइटिंग के चलते मोनार्क उन दोनों पे ही अटैक करती है लेकिन उसके अटैक उसी पे ही भारी पड़ती है और शेडीबग लेडीबग से फाइट करते हुए कहता है, तुम में और मुझ में कुछ भी सिमिलर नहीं है, तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड्स है, तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार करती है और वो क्लोई बुजुआ भी तुम्हें तंग नहीं करता। जो सुन के लेडीबग कहता है, नहीं तुम गलत हो, क्लोई मुझे हमेशा बुली करता रहता है लेकिन मेरे फ्रेंड्स और दोस्तों की वजह से मैंने कभी हार नहीं माना और हर चीज का डांट कर सामना किया और मेरे जैसे तुम भी ऐसा कर सकते हो, सबके साथ प्यार बांट सकते हो, अपने दोस्त बना सकते हो, बस तुम्हें अपनी सोच विचार को चेंज करना होगा और बुराई के साथ हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और इन बातों से शेडीबग थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होने लगती है और वही दूसरी तरफ क्लानोअर कैट नोअर से कहता है, तुम क्या जानो अकेला रहना क्या होता है, बरसों पहले ही मेरी मॉम गुजर गई और मेरी फादर मुझ पे ध्यान ही नहीं देती, इसीलिए मुझे तुम्हारी और लेडीबग की मिराक्यूलस चाहिए ताकि मैं अपनी मॉम को जिंदा कर सकूं। फिर कैट नोअर क्लानोअर को समझाती है, ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो लेकिन अगर तुम हमारी मॉम को जिंदा करते हो उसके बदले में किसी और की मॉम को कुर्बानी देनी होगी और क्या तुम इससे खुश रह पाओगे किसी और की जिंदगी बर्बाद करके, ये सारे बुरी काम छोड़ दो, मेरी तरह फ्रेंड्स बनाओ जिससे तुम हमेशा खुश रहोगे। यही सारे बातों के चलते उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और वही दूसरी तरफ मोनार्क रोस्टर मिराक्यूलस के यूज करके सबलिमेशन जादू क्रिएट करता है जिसके वजह से उसे दूसरे डायमेंशन में जाने के एक्सेस मिल गया था और वो सोचता है, अब मैं दूसरे डायमेंशन में जाके लेडीबग और कैट नोअर की मिराक्यूलस छीन लूंगा। फिर मोनार्क ऐसा ही करता है लेकिन तब तक यूबीडीटी को भी इस बात का एहसास हो गया था। फिर लेडीबग अपने आप को अकुमाटाइज्ड करवाती है ताकि उसे दूसरे डायमेंशन में जाने की एबिलिटी मिल सके और वो मोनार्क को जाके रोक सके। फिर हमें अर्थ 150 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोनार्क स्कैराबेला की मिराक्यूलस छीनने ही वाली थी लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है लेडी फ्लाई की जो कि आते ही एक मुक्का दे मारता है मोनार्क को जिससे वो अपने डायमेंशन में वापस चला गया था। फिर मोनार्क एक और डायमेंशन में जाती है जहाँ का एनिमेशन 2D में चल रहा था लेकिन वहाँ पर भी पहले से लेडीबग मौजूद था जो कि उसके राम धुलाई करती है। फिर मोनार्क एक और डायमेंशन में जाती है जहाँ पर सब कुछ फुल्ली इमेजेस के थ्रू चलता था लेकिन बेचारा की वहाँ पर भी अच्छी खासी कुटाई हो गया था। फिर वो लगातार बार बार पीटते हुए उसे मजबूरन गिवअप करनी पड़ती है। फिर हमें इस एपिसोड की एंडिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे सुपर हीरोज एक साथ हैंडशेक करता है और एक दूसरे से बाय कहता है जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाती है और हमारी एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर लेना क्योंकि आज से इस चैनल पे ऐसी शानदार एक्सप्लेनेशन की वीडियोस आते रहेंगे। सो इसीलिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना। बाकी हम मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माय मिराक्यूलस यूनिवर्स।